मोकामा नगर परिषद कार्यालय में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। मोकामा नगर परिषद कार्यालय में पहली बार कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। यह स्वास्थ्य जांच शिविर नगर परिषद के सभी कर्मचारी एवं सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया गया और यह पहल मोकामा नगर क्षेत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि यह शिविर प्रति 2 माह पर लगाया जाएगा ताकि सभी कर्मी अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। कार्यपालक पदाधिकारी ने यह भी कहा कि इस तरह का शिविर बाकी सभी कार्यालयों में लगाना चाहिए ताकि उस कार्यालय में कर्मियों के स्वास्थ्य सही रहे। इस शिविर में जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट भी उपस्थित थे। मौके पर मोकामा नगर परिषद के दर्जनों वार्ड पार्षद समेत कर्मियों ने इस जांच शिविर का लाभ उठाया। यहाँ पर जो है एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और डॉक्टर साहब हैं, ये सभी लोगों के ही मदद से यहाँ पर लगाया गया है। नगर परिषद के सारे कर्मी, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ उनके परिवार, ये सभी के लिए यहाँ पर जो है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की व्यवस्था की गई है। और इस मामले में हम लोग जो हैं पूरे डॉक्टर साहब, साथ ही साथ जो भी आयोजक सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हमारे मोकामा के, इन लोगों ने जो आयोजन कराने में जो मदद की है तो उन सभी को पूरे नगर परिषद टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक बहुत ही बेहतर कार्यान्वयन है। थैंक यू सर। इस तरह का कैंप जो है सफाई कर्मियों के लिए अदर जिला में लगाया गया जिला के लिए। देखिए, चूँकि यह जो है यहाँ पर सभी नगर परिषद कर्मी साथ साथ सभी के आग्रह पर हम लोगों ने इसमें प्रयास हम लोग किए कि इसका एक सफल आयोजन हो और यदा कदा संभवता हुई हो और भी जिलाओं में, लेकिन हमें लगता है कि आपके जानकारी में सर मतलब सफाई कर्मियों के लिए इस तरह का कैंप कोई पहले लग चुका है कहीं? अभी हमारे जानकारी में तो अभी नहीं हुई है, आसपास में, आसपास के जिलों में भी बिल्कुल, लेकिन हमें उन लोगों को भी सभी से अनुरोध होगा कि वैसा कैंप जरूर लगवाएं क्योंकि सभी के हित के लिए यह काफ़ी अच्छा है और उनके स्वास्थ्य पर जो है एक अपडेट बिल्कुल जो है रेगुलर इंटरवल पर होना चाहिए। यहाँ पर तो हम लोग एकदम बिल्कुल हर महीने, हम लोगों का हर महीने 1-2 महीने में हम लोग का प्रयास रहेगा इसका आयोजन कराते रहे, यह जारी रहेगा हर महीने बिल्कुल। परिषद में पहली बार इस तरह का शिविर लगाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में जरूर, ये पहली बार ही कराया गया है लेकिन अब हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अब ये हमेशा ही एक रेगुलर इंटरवल पर हो ताकि नगर परिषद के कर्मी हों या जो जनप्रतिनिधि हों या जो भी यहाँ आसपास के भी लोग हों, तो इससे होता क्या है कि वे लोग कम से कम अपने स्वास्थ्य के बारे में एकदम अपडेटेड रहेंगे। अगर कोई जरा से भी कुछ परेशानी होती है तो उसको शुरुआत में ही चेक करा करके उस पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि एक खास स्टेज के बाद आप भी जानते हैं कि ज़्यादा बढ़ जाने पर परेशानी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि एक रेगुलर इंटरवल पर होता जाए। हाँ, रेगुलर हो और होगा भी, सभी लोगों ने इसमें बहुत ही प्रशंसनीय सहयोग रह रहा है, सभी डॉक्टर साहब का जो आयोजन जो किया जा रहा है, एक बेहतर कार्यान्वयन हो, यही मेरी शुभेच्छा है। नगर परिषद में आप लोगों के द्वारा जो शिविर लगाया गया है किस किस प्रकार के जांच किए? यहाँ पे जो जांच के तौर पे हमारे तरफ से व्यवस्था किया गया है वो है खून का जांच, जो है आपका ब्लड शुगर लेवल है और बीपी है, वेट है, बाकी हम लोग जनरल मेडिसिन की तरफ से जो नॉर्मल कोई भी बीमारी है, सारी परेशानी है किसी को, उनका जाँच हो रहा है। डॉक्टर शशांक हैं, ये बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ है, तो बच्चों को जो परेशानी है उसके लिए मैं डेंटिस्ट हूँ, तो डेंटल और ओरल हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी, जैसे हम यहाँ पे जो गुटखा उटका खाते हैं, कैंसर वैंसर, ओरल कैंसर एक तरह से स्क्रीनिंग है, तो लोगों को पहले हम जागरूक कर सकते हैं उसके बारे में क्या करना है नहीं करना है।